हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको चाइना पीसीबी का जो सीआरटी नॉर्मल किट, वो पीसीबी का जो नो साउंड प्रॉब्लम, आज आपको ये वीडियो के अंदर रिपेयर करके देखूंगा। तो दोस्तों, इसका स्पीकर ओके है, बट इसका सप्लाई चेक करके आपको देखूंगा, इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके देखूंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले ऑलरेडी प्रैक्टिकल और थ्योरी सब कुछ डिटेल्स वीडियो में बना के रखा है। तब भी आज ये वीडियो के अंदर ओनली प्रैक्टिकल आपको करके देखूंगा नो साउंड प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, न्यू टेक्नीशियन को बहुत फ़ायदा मिलेगा ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा वीडियो बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा, ठीक है। अब शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों देखिए, 17 इंची ये पिक्चर ट्यूब है और इसका अंदर एक चाइना पीसीबी है। बट दोस्तों, बहुत पुराना एक चाइना पीसीबी है ये। इस टाइप पीसीबी बहुत जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको देखाऊंगा पूरा डिटेल्स। फर्स्ट देखिए, इसका ये साउंड आइस है और मैं अलग से स्पीकर इस तरह कनेक्शन किया। अब देख सकते हो ये न्यू स्पीकर है, तब भी साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्ट करने के लिए आपको इस तरह के स्पीकर कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये जो ओरिजिनल स्पीकर का वायर है, ये बहुत छोटा है और उल्टा करके काम करने के लिए और टेस्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चॉपर है, ये पीसीबी का अंदर ही ये इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों, ओरिजिनल आउटपुट का, बट ये ड्राइवर कॉइल अलग है, आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको उल्टा करके एक बार दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह कनेक्शन है। मैं ये पीसीबी बहुत दिन तक नहीं देखा है, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो चॉपर, देखिए ये आउटपुट का एक चॉपर है, यहाँ से इसका आउटपुट हॉरिजेंटल योकल का कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। आप अच्छा करके देखिए, ये बहुत अच्छा तरह से इसका बहुत सुंदर इसका डिजाइन, छोटा सा कॉयल है, इस तरह कनेक्शन है। बट दोस्तों, ये पीसीबी का जो फॉल्ट है नो साउंड, फर्स्ट क्या किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी का सप्लाई एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट तो दोस्तों, स्पीकर को एक बार चेक करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्पीकर ओके है। तो चलिए, आपका सामने में सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपके ऊपर वोल्टेज चेक करके देखाऊंगा। उसका पहले आप देखिए, इसका पिक्चर देखिए, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो कैमरे का वजह ये ब्लोअर देखा जाता है, तो कोई बात नहीं, ये देखने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो पोजीशन क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, वही आप ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट देखिए, मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ, और इसी टाइम जो साउंड आई सी, इसका सप्लाई वोल्ट आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पर 15 वोल्ट का आसपास सप्लाई आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका सप्लाई वोल्ट ओके है, ठीक है। तो सप्लाई वोल्ट नहीं आएगा तो तब भी साउंड नहीं मिलेगा। बीच में ये जो रेजिस्टेंस और जम्पर भी हो सकता है सप्लाई लाइन का, सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये लाइन को आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये जो डायोड है, साउंड सप्लाई का डायोड और ये कैपेसिटर, ये दोनों पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका सप्लाई वोल्ट ओके है, तो इसलिए ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो आउटपुट है स्पीकर का, आउटपुट पॉइंट पर ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से जो सिग्नल जाता है, ये कैपेसिटर का इनपुट पॉइंट पर आपको वोल्टेज 7 वोल्ट का आसपास, 7.34 वोल्ट का आसपास आपको देखना पड़ेगा। मतलब इसी तरह वोल्टेज जब देखा जाता है तो साउंड आईसी ओके है, ठीक है। तो बट ये दो पॉइंट पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब भी आप और कन्फर्म कर सकते हो ये साउंड आईसी ओके है कि नहीं है, ठीक है। इसका दोनों आउटपुट इसका सेम ही कनेक्शन है, सेम तरह कनेक्शन है, ठीक है। तो ये जो साउंड आईसी, इसका जो एक नंबर पिन है, ये एक नंबर पिन पर ऑडियो सिग्नल इन होता है। तो दोस्तों चलिए, इसी टाइम आपको ये ऑडियो आईसी ओके है कि नहीं आपको कंफर्म करने के लिए किस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए, आपको ये मीटर कॉर्ड लेके आपको दिखाता हूँ, इस तरह को पकड़ना पड़ेगा और ये जो एक नंबर पिन है आईसी का, ये पिन पर आपको टच करके देखना पड़ेगा। टच करने के बाद जरूर स्पीकर अंदर एक हमिंग साउंड मिलेगा। दोस्तों, हमिंग साउंड जब मिलेगा तब आपको आईडी लगाना पड़ेगा कि इसका जो ऑडियो आईसी ये ओके है। इसका अंदर जो सिग्नल आना चाहिए, जो ऑडियो सिग्नल, जो प्रोग्राम साउंड होता है, वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये जो सिग्नल लाइन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, ये ट्वीजर लेके। देखिए, यहाँ पर ऑडियो आ रहा है, मतलब ऑडियो सिग्नल यहाँ पर नहीं है, बट ऑडियो आईसी ओके है, हमिंग साउंड आ रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा, यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर दिखा जाता है, ये म्यूट ट्रांजिस्टर होता है। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर से इस तरह प्रॉब्लम दिखा जाता है, आपको ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बाद ये जो अलग अलग लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, आपको ये लाइन का अंदर भी टच करके देख सकते हो कि यहाँ पर भी ऑडियो ओके है, और बीच में रेजिस्टेंस है, और उसका बाद ये लाइन के अंदर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर से सिग्नल जा रहा है और आईसी से सिग्नल ये पिन से आउटपुट होता है। दोस्तों, ये सब कुछ लाइन का अंदर ऑडियो मिलता है,
तब भी साउंड नहीं है, इसका मतलब जो सिग्नल इन होता है सेट टॉप बॉक्स से वो सिग्नल यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है कि जो इसका ये सेकेंड पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन जो होता है दोस्तों, जो ऑडियो सिग्नल इन होता है वो लाइन का फॉल्ट हो सकता है और ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है। तो किस तरह ये चेक करना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको एक वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली ये पोजीशन को करके दिखाता हूँ। देखिए मैं एक वायर ले लेता हूँ, वायर लेने के बाद आपको ये पोजीशन के अंदर कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो ऑडियो है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा ऑडियो यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। स्पीकर के अंदर एक ज़रूर हमिंग गोंट टाइप साउंड आएगा, ठीक है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो ऑडियो आपको इनपुट करके देखना पड़ेगा। देखिए मैं किस तरह ऑडियो सिग्नल इनपुट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का वायर लेना पड़ेगा, वायर लेने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, जिस पोजीशन पर हमिंग साउंड मिल रहा है। कनेक्शन करने के बाद ये जो वायर है, वायर का और एक पोजीशन आप टच करके देख सकते हो। देखिए मैं आपको टच करके दिखाता हूँ, ये जो ऑडियो इनपुट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पर आपको टच करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टच करने के बाद ऑडियो आ जाता है। तो ये जो लाइन जा रहा है, ये दोनों लाइन एक साथ कनेक्शन है। ऑडियो इनपुट का जो पॉइंट है चाइना पीसीबी का और ब्रांडेड पीसीबी के अंदर इस तरह कनेक्शन नहीं दिखा जाता है, अलग अलग कनेक्शन दिखा जाता है। तो इसी तरह इसका अंदर ये बीच में जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर दिखा जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्शन करके देखना पड़ेगा। ये पोजीशन के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर खड़ा मिलेगा तो ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको इसी तरह आईसी तक टच करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये साइड भी साउंड आ रहा है, दोनों साइड से ही सेम कनेक्शन है, तो इसीलिए दोनों साइड पर ही साउंड आ रहा है। तो दोनों साउंड सिग्नल इनपुट का जो लाइन है, बीच में रेजिस्टेंस है और उसका बाद बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटर है, ठीक है। देखिए सब कुछ लाइन ओके है, मतलब ये लाइन जो होता है ये आईसी का साथ कनेक्शन है, तो मतलब ये आईसी फॉल्ट है, आईसी से साउंड आउटपुट नहीं हो रहा है। बट दोस्तों मैं इसका साउंड वॉल्यूम में फुल करके रखा है, आपको नहीं दिखाया, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह प्रॉब्लम जब आएगा आप ये जो ऑडियो इन जो एक नंबर पिन यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो, और बीच में ये जो कैपेसिटर दिखा जाता है म्यूट ट्रांजिस्टर का जो पास, यहाँ पर भी आप इस तरह कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी पॉइंट पर कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्ती एक नंबर पिन है और बीच में ये कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ऑडियो आप डायरेक्ट ये पिन पर भी कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली सब कुछ जगह टच करके दिखाया। बट दोस्तों मैं ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, कैपेसिटर बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लूँगा, ठीक है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो मैं कौन पोजीशन से कनेक्शन किया, मैं कैपेसिटर का इनपुट पॉइंट पर कनेक्शन किया जो म्यूट ट्रांजिस्टर का पिन है, और आप इसका अंदर देखिए जो आईसी का इनपुट पॉइंट है वहाँ पर मैं कनेक्शन किया। दोस्तों ये वीडियो फुल आज करने के लिए।